21 नंबर प्रश्न है, जया की एक किस्म है, तो इसका सही आंसर है विकल्प ए चावल। अब हम आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, जया इज अ वैरायटी ऑफ, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राइस। अब है 22 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू के पत्तों में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण एल्कलाइड है, ऑप्शन सी निकोटीन। इसका सही जवाब निकोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कोलाइड प्रेजेंट इन टोबैको लीव्स इज, क्या है, निकोटीन। आंसर निकोटीन। किस पेड़ की लकड़ी का क्रिकेट बैट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्लैक्स प्रोपेरिया। वुड ऑफ विच ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सिलेक्स प्योरपेरा। प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसका सही आंसर है विकल्प बी सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूड मोसेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, आंसर बी सिंगर एंड निकोलसन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर है विकल्प सी एथिलीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन हेल्प्स इन फ्रूट रिपीटिंग, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इथिलीन। और अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में आंसर है MGB पाया जाता है। क्लोरोफिल कंटेन, आंसर इज ऑप्शन ए MG। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, ऑप्शन सी नेपेंथस। ये पौधा जो कीट को खाता है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट, ऑप्शन सी नेपेंथस। 28वां नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का सामान्य pH, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 6/7। 6 से 7 जो होता है ये मिट्टी का सामान्य pH होता है। नॉर्मल pH ऑफ सोयल, द राइट ऑप्शन इज बी 6-7। तीसवां नंबर प्रश्न है, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड फोनोटाइपिक अनुपात, इसका सही आंसर है 9:3:3:1। द नेक्स्ट ऑप्शन इज मेंडेलियन डिहाइड्राइड फिनोटाइपिक रेशियो, आंसर है ए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंगियोस्पर्म में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिपल फ्यूजन इज फाउंड इन, तो ये ऑप्शन डी में पाया जाता है एंगियोस्पर्म्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन है, केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, नेफ्रिडिया। केंचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है। द स्टडी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेफ्रिडिया। निम्नलिखित में से कौन फेरोमोन नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, चीटोन। इसका सही आंसर विकल्प बी हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चीटोन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा इंद्रिय अंग है? सही आंसर है ए, त्वचा। हमारा जो स्किन जो होता है वो सबसे बड़ा इंद्रिय अंग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्किन। चौथीस नंबर क्वेश्चन, आणविक गोंद के रूप में जाना जाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन डी, लिगासे। क्वेश्चन जो है 34, द एंजाइम विच इज नो एज मोलेकुलर ग्लू, द आंसर इज ऑप्शन डी, लाइगेस। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त कोशिकाओं जिनमें फेगोसाइटोसिस द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है? सही आंसर है विकल्प ए, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। द ब्लड सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रो माइक्रोबेस बाय फेगोसाइटोसिस आर, ऑप्शन ए आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज ऑब्जर्व ऑन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अगस्त 20। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? सही आंसर है विकल्प बी, एसीटेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एसीटेट। प्रश्न, आंख की शंकु कोशिकाओं में मौजूद वर्णक है? आंसर है ए, फोटोपिसिन। द पिगमेंट प्रेजेंट इन कॉर्न सेल्स ऑफ आई इज, फोटोसिन। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाता है, ऑप्शन सी आंसर, कार्बोक्सिन हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स, राइट आंसर इज सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। 40 नंबर क्वेश्चन है, गुण सूत्र के 21वें जोड़े के ऑटोसोमल ट्राइसामी की ओर जाता है? राइट आंसर है डी, डाउन सिंड्रोम। ऑटोसोमल ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम लीड्स टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम। तो आज का हमारा ये
अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका धन्यवाद।